बीते करीब एक महीने से मध्य प्रदेश की सियासत बुरी तरह से गरमाई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता से चले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। शिवराज कैबिनेट को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब इन सबके बीच कोविड-19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का ध्यान रखते हुए 5 मंत्रियों को शिवराज सिंह चौहान की मिनी कैबिनेट में जगह मिली। हालांकि अभी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। अब इन सबके बीच में कांग्रेस शिवराज कैबिनेट में गोपाल भार्गव जैसे बड़े नेता को शामिल ना किए जाने पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जीतू पटवारी कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य की शुरुआत है। गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ को नज़रअंदाज करना, बिकाऊ लोगों के लिए अपने लोगों को दरकिनार करना अस्वस्थ परंपरा है। जीतू पटवारी ने ऐसी बातें करते हुए मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई है ये ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना तो साध दिया। लेकिन अब इन सबके बीच में जीतू पटवारी के खिलाफ कांग्रेस नेता की पत्नी का गुस्सा फूटा है। कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना सिंह ने जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी पर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कमलनाथ सरकार में लक्ष्मण सिंह को मंत्री ना बनाए जाने पर जो चुप्पी साधी थी, अब इसी पर लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रुबीना सिंह जीतू पटवारी के खिलाफ ट्विटर पर लिखती हैं, ये सब क्या सिर्फ भाजपा में होता है? क्या 16 महीने पहले कांग्रेस में नहीं हुआ? एक अनुभवी नेता को अनदेखा करके एक यंग नेता को आपने चुन लिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान रुबीना सिंह के पति को दरकिनार करते हुए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को पार्टी ने टिकट दिया था। इसे लेकर रुबीना सिंह का गुस्सा फूटा है। रुबीना के ट्वीट के बाद प्रदेश की सरगर्मी बढ़ गई है। हर गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। नेक्स्ट 9 रिपीट SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।